हेलो एंड वेलकम बैक टू पैम्स किचन एंड दिस इज़ प्रोमिला वर्मा। बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो ऑब्वियस है कि बच्चे सारा दिन घर पर हैं, तो हम मदर्स को ये लगता है कि बच्चों को हम जब तक घर पे हैं छुट्टियों में उनको फ्रेश खाना बनाकर खिलाएं, क्योंकि हमेशा तो उनको लंच बॉक्स वाला ही खाना खाना पड़ता है। तो हर मदर के मन में ये रहता है, तो मैं आपकी इस मुश्किल को बहुत इजी करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस में आप देखोगे बच्चों के लिए बिल्कुल नए नए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्नैक्स और रेसिपीज जो इतनी इजी है कि आपको गर्मी में ज़्यादा देर खड़े होकर किचन में काम करने की भी नीड नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इतने हेल्दी और इतने टेस्टी हैं कि बड़े भी आपको यही कहेंगे कि हमारे लिए भी यही बना दो, क्या अलग अलग बनाते रहोगे। तो जो बच्चे खाएंगे हम भी वही खा लेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे आने वाले वीडियोस में, और अगर चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये नई नई रेसिपीज मिले और मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही बढ़िया हमारी कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स और ब्रेड के साथ बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना और शेयर कर देना, थैंक यू वेरी मच एडवांस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हेल्दी और जल्दी से बनने वाले सैंडविच के लिए हमें चाहिए होगा दही। तो इस दही का हमें जो है एक्स्ट्रा पानी निकालना है, यानी कि इसको हंग कर्ड बनाना है। तो इसके लिए एक बोल के ऊपर एक छलनी रखेंगे, उसमें एक साफ कपड़ा डालेंगे पतला मलमल का, और उसमें दही जितनी चाहिए आपको उसमें डाल करके फ्रिज में रख देंगे, और उसका पानी जो है निकल जाएगा तो वो हंग कर्ड हो जाता है। और इतने में हम जो है अपनी सब्जियां काट लेंगे। देखिए कितनी कलरफुल सी सब्जियां हमने ली हैं, तीनों बेल पेपर्स हैं, प्याज हैं बारीक कटे हुए, और ये मैंने लिया है पर्पल कैबेज, जो कि इसको एक बहुत ही सुंदर टेक्सचर और कलर और इसको जो है और हेल्दी बनाएगा। वैसे भी हम कर्ड सैंडविच में बंद गोभी या पत्ता गोभी डालते ही हैं, तो हरी पत्ता गोभी की जगह हमने यहाँ पे पर्पल पत्ता गोभी ली है। तो हर कलर का जो है हमारे खाने में एक अलग ही उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करता है, हेल्दी वैल्यू ऐड करता है। तो कर्ड भी हमारा आधे घंटे में जो है पानी निकल गया उसका, उसको लेकर के बॉल में अब मैं पहले इसमें डालूँगी अपनी पर्पल कैबेज। और देखिए कितना सुंदर कलर हमारा आ गया है कर्ड का, जो हमारी ये टॉपिंग बनेगी। फिर हम उसमें डाल देंगे हमारी सब्जियाँ, रेड बेल पेपर, ग्रीन और येलो, और प्याज कटे हुए हैं बारीक। आपने गाजर डालनी है तो आप गाजर भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हो। इन सब्जियों को जो है हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, और ये जो है हमारा मिक्सचर, ये आप मिक्सचर जो है रात को भी बना करके रख सकते हो या पहले से इसको बना करके रख सकते हो, ताकि आपको सुबह सुबह ज़्यादा होश पोच ना हो। और हम स्वीट कॉर्न कैसे भूल सकते हैं, जो कि बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट हैं। तो देखा आपने इस एक सैंडविच में हमें कितनी सारी सब्जियों का फ़ायदा मिलने वाला है। इसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च। तो ये मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। थोड़ी मैंने केचप डाली है, जो कि इसको एक बहुत अच्छा खट्टा मीठा सा इसको फ्लेवर देगा। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं हम, और इससे बनाएंगे हमारे ये फटाफट से बनने वाले बच्चों के लिए, बच्चों क्या बड़ों के लिए भी बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को जैसे सीजनिंग बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आता है जब, तो इसमें मैं पिज़्ज़ा का जो सीजनिंग होती है वो भी ऐड कर देती हूँ, ताकि इसको एक और अच्छा यम्मी सा बच्चों के पसंद का टेस्ट आए। और बस हमारा ये टॉपिंग तैयार है। अब हम लेंगे ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड ले रही हूँ मैं यहाँ पे। आपको अगर वाइट ब्रेड पे बनाना है तो वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई से भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, बट ट्राई करें कि मल्टी ग्रेन ब्रेड और आटा ब्रेड ही यूज़ करें, अच्छी होती हैं। ठीक है मैदा होता है इनमें, बट उससे कम होता है वाइट ब्रेड से।
तो टॉपिंग जो है हम इसके ऊपर अच्छे से भरकर लगाएंगे, कोई कमी नहीं रखनी इसमें। और फिर जो है हम दोनों सैंडविच को इस तरह से ब्रेड से दोनों तरफ लगा करके, और पैन हमारा गरम है, इस पैन में मैं डालूंगी थोड़े से ब्लैक मस्टर्ड सीड और करी लीव्स। आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें, बट इससे थोड़ा सा एक बच्चों को सुंदर लगता है देखने में सैंडविच, जब बाहर ये सब ब्लैक ब्लैक और करी लीव्स लगी हुई होती हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, डिफरेंट लगता है। तो ये देखिए दोनों तरफ से हम इसको अच्छे से, मैं देसी घी लगा के इसको ब्राउन कर रही हूँ। आपको बटर लगाना है आप बटर भी लगा सकते हैं, बट ऑयल से मत कीजिएगा, ऑयल का इतना अच्छा खुशबू नहीं आती है सैंडविच में। तो मैं दोनों तरफ से इसको हल्की हल्की फ्लेम पे मैं इसको सिकने दे रही हूँ। तो ये बढ़िया सा हमारा कड़क सैंडविच बनकर मिनटों में तैयार है। ये देखिए कितना सुंदर और कड़क हमारा ये सैंडविच, और आपको पता है ये प्रोटीन से भरा हुआ भी है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा कर्ड डाला है। अगर आपको बच्चों को और टेस्टी देना है तो आप इसमें थोड़ा मेयोनीज भी डाल सकते हो, बट कर्ड बेस रहना चाहिए। और ये देखिए इसकी क्रिस्पीनेस कितना क्रिस्पी बना है, और जो मैं आपको कह रही थी करी लीव्स और मस्टर्ड सीड ऊपर कितने अच्छे लग रहे हैं ना लगे हुए। तो बस फिर देख इस बात की बनाइए, खिलाइए अपने बच्चों को ये सब्जियों से भरा हुआ। और पर्पल कैबेज को मिस मत करिएगा, बहुत सुंदर लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा जब आप उसको कलरफुल सी कोई डिश खिलाएंगे तो वो उनको टेम्प्टिंग लगती है। तो है ना ये मज़ेदार सा सैंडविच हमारा, कर्ड सैंडविच कह लो या हंग कर्ड सैंडविच है, बस आपको क्या करना है हंग कर्ड आपको बना करके रखनी है। तो जी कैसा लगा हमारा ये एफर्ट, हमारा ये आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आएगा, आप बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं और हेल्दी रहें। और जुड़े रहिए पैम्स किचन में, आगे और भी वीडियोस ऐसे आपके लिए आते रहेंगे। ये पूरी सीरीज़ आपके लिए समर वेकेशन के लिए मैं लेकर आ रही हूँ, तो जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड विद पैम्स किचन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।